हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा, और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 जून तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस PDF कोर्स संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। वट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया? एनीमिया का सबसे कॉमन पोषण संबंधी कारण क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, पोटेशियम डेफिशिएंसी या फिर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, June 7। आपको जानना चाहिए हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO, ये दोनों ही मिलकर इस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को ऑब्जर्व करते हैं, मेंबर स्टेट्स और रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2023 का थीम है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, तो ये महत्वपूर्ण थीम रहेगा, याद रखिएगा। विच कंट्री ऑनर्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार? किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, सुरीनाम। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सुरीनाम के दौरे पर हैं और सुरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार, ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है और ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने ये सिविलियन ऑनर प्राप्त किया। आपको जाना चाहिए अवार्ड प्रेसिडेंट मुर्मू को, जो सुरीनाम के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनके द्वारा दिया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सुरीनाम की जो कैपिटल है पारामारिबो, यहाँ पर पहुँची 4 जून को और 2 देशों के दौरे पर हैं, एक तो सुरीनाम और सर्बिया। सुरीनाम की बात करें तो साउथ अमेरिका में ये एक कंट्री है, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में, साउथ अमेरिका में, और इसी कैपिटल पैरामारिबो है और इसी करेंसी है सुरीनामीज डॉलर। हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद न्यूजीलैंड सेकेंड हाइएस्ट ऑनर? हाल ही में न्यूजीलैंड के दूसरे सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जेसिंडा आर्डन। देखिए, जेसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी इन्हें न्यूजीलैंड का सेकेंड हाइएस्ट ऑनर दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक में इन्होंने काफ़ी कमेंडेबल वर्क किया। यहाँ पर मास शूटिंग हुई है ना, उसमें भी लोगों ने इनके काम को सराहा, जो इन्होंने संवेदना प्रकट की अपनी, तो इन्हें मिला है डैम ग्रैंड कंपेनियनशिप, ये एक ऑनर है, न्यूजीलैंड का सेकंड हाईएस्ट ऑनर है, ये इनको दिया गया है एज पार्ट ऑफ द किंग चार्ल्स बर्डे ऑनर्स, तो किंग चार्ल्स बर्डे के सम्मान के रूप में ये इन्हें दिया गया है। देखिए, साल में 2 बार इस तरह का ऑर्डर दिया जाता है, जो मतलब जिन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया हो देश में,
और उसका उस जो ओनर दिया जाता है उसमें चार्ल्स द्वारा भी लिखा रहता है एक मैसेज कंक्लूजन के तौर पर, हु वॉन द स्पेनिश ग्रां प्री 2023, स्पेनिश ग्रां प्री 2023 किसने जीता। सही आंसर ऑप्शन सी है, मैक्स वर्स्टैपन। देखिए डच बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर ऑफ रेड बुल मार्क्स वर्स्टैपन, मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने स्पेनिश ग्रां प्री 2023 जीत लिया है। हाल ही हमने भी पढ़ा था कि मोनाको ग्रां प्री 2023 भी इन्होंने ही जीता है। सुलोचना लातकर पास्ड अवे एट 94, शी वॉज नोन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू विच फील्ड। सुलोचना लातकर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, सिनेमा। आपको जानना चाहिए जानी मानी मराठी और हिंदी सिनेमा में कार्य करने वाली एक्ट्रेस सुलोचना लातकर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने लगभग 50 मराठी फिल्म्स एंड 250 हिंदी फिल्म्स में कार्य किया। तो 4 जून को इनका निधन हुआ और पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था 1999 में। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया साल 2004 में, और साल 2009 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी इनको दिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और भी ऑबिचुरीज हैं उनको भी साथ में कवर कर लेते हैं, जैसे कि US स्प्रिंटर यानी कि धावक जिम हाइंस, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 76 की एज में। ये फर्स्ट मैन रहे जिन्होंने 100 मीटर की रेस को 10 सेकंड के अंदर अंदर पूरा किया। ये बात है 1968 की US चैम्पियनशिप में, इन्होंने 9.9 सेकंड्स में 100 मीटर की रेस पूरी की। नितिन गोपी जो कि जाने माने कन्नड़ फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया 39 की एज में। आमिर रज़ा हुसैन ये भी काफ़ी जाने माने एक्टर एंड डायरेक्टर रहे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 66 की एज में। साल 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विच इंडियन रेसलर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द UWW रैंकिंग सीरीज, किस भारतीय पहलवान ने UWW रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर ऑप्शन बी, मनीषा। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज इवेंट संपन्न हुआ है बिश्केक किर्गिस्तान में, और भारत ने भी यहाँ पर कई सारे मेडल्स जीते हैं। मनीषा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, रितिका ने सिल्वर और सरिता मोर ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनीषा की बात करें तो 65 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और आगे देखें तो मनजीत इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। और देखें इसमें 4 मेडल्स इसमें जीते अब तक, 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, याद रखिएगा। विच इंडियन एथलीट क्लिंच्ड गोल्ड इन मेन्स डिकैथॉन एट द एशियन U20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स इन येचियोन साउथ कोरिया, किस भारतीय एथलीट ने दक्षिण कोरिया के येचियोन में एशियाई U20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पुरुषों के डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर ऑप्शन ए, सुनील कुमार। देखिए येचियोन साउथ कोरिया में एशियन U20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई है, और यहाँ पर इंडिया के सुनील कुमार ने 7,003 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। इसी के साथ गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने मेंस के डेकाथलॉन में। सुनील के अलावा पूजा ने विमेंस हाई जंप में सिल्वर जीता है, बुशरा खान ने भी सिल्वर जीता है विमेंस 3000 मीटर रेस में, और 4x100 मीटर रिले में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिद्धार्थ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता मेंस शॉट पुट में, शिवम लोहाकर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता जेवलिन थ्रो में, शाहरुख खान इन्होंने स्टीपल चेस में सिल्वर मेडल जीता है, रिजवाना मलिक हिना इन्होंने गोल्ड जीता विमेंस 400 मीटर रेस में, वहीं भरतप्रीत सिंह इन्होंने मेंस डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। नेम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन चेयरमैन CBFC चेयरमैन हु हैज़ लॉन्च्ड रिवैम्प्ड CBFC वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप इन मुंबई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने मुंबई में संशोधित CBFC वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है, प्रसून जोशी। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CBFC इन्होंने हाल ही में अपनी रिवैम्प्ड वेबसाइट और नई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मुंबई में। इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया CBFC के चेयरमैन प्रसून जोशी के द्वारा, ठीक है। तो अब जो ऐप है जो वेबसाइट उसको यूज़र फ्रेंडली बना दिया गया है,
और जो भी CBFC ऑफिशियल्स हैं या फिर और एजेंट्स हैं तो वो आसानी से जो है नेविगेट कर सकते हैं इसमें। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप MV एम्प्रेस हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ फॉर विच कंट्री। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस किस देश के लिए रवाना किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका है। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने मेडन इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV एम्प्रेस जो कि इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल है इसको हरी झंडी दिखाई है चेन्नई से श्रीलंका के लिए। इसी के साथ अब चेन्नई में इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म टर्मिनल का भी जो है शुरुआत हो गई है। इसे 17.21 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो ये जो क्रूज सर्विस है ये 3 श्रीलंकन पोर्ट को विजिट करिए, एक तो हम्बनटोटा, एक त्रिनकोमली और एक कांकेसंतुरई। हु वॉन गोल्ड मेडल इन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर राइफल इवेंट? ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है धनुष श्रीकांत। देखिए बहुत चर्चा में धनुष श्रीकांत, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो धनुष श्रीकांत ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, कहाँ पर? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो कि सोल जर्मनी में हुआ है। इन्होंने स्वीडन के पॉन्टस कैलिन को हराया है। तो इस तरह से इंडिया का 4th गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है अब तक इसमें। और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता स्कीट मिक्स्ड टीम चैम्पियनशिप में, जहाँ पर हरमेहर लाली और संजना सूद ने जो है अपने ओपोनेंट को हराया है। इसी अचीवमेंट के साथ भारत ने मेडल टेबल में टॉप किया है। 4 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। संयम, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता मेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। और अमनप्रीत सिंह, इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। गौतमी बनोत और अभिनव शाह, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में। तो इस तरह से 4 गोल्ड हमने प्राप्त किए इसमें और टॉप किया है मेडल टैली को। 2023 फीफा 3x3 वर्ल्ड कप हेल्ड इन विच सिटी? 2023 फीफा 3x3 विश्व कप किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी वियना ऑस्ट्रिया। देखिए 2023 फीफा 3x3 वर्ल्ड कप ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल इवेंट है, मेंस और वुमेंस कैटेगरीज में खेला जाता है। 30 मई से 4 जून के बीच वियना ऑस्ट्रिया में हुआ है। तो मेंस का टाइटल सर्बिया ने जीता और वुमेंस टाइटल यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड? द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है निर्मला लक्ष्मण। देखिए मिस निर्मला लक्ष्मण, इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। और ये मिस मालिनी पार्थसारथी इनको सक्सीड कर रही हैं। विच कंट्री कंडक्टेड एशियाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स यूजिंग गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी? किस देश ने एशिया में पहली बार गगन उपग्रह प्रतियोगिता का यूज करते हुए हेलीकॉप्टरों के लिए परिचालन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। हिंदी इसकी थोड़ी ऐसी ही है अटपटी सी, मैंने PIB में भी देखा तो इसी तरह की हिंदी है, समझ जाइएगा, थोड़ा इंग्लिश पढ़ के समझ जाइएगा। देखिए भारत ने गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जुहू से पुणे के बीच एक हेलीकॉप्टर की जो है फ्लाइट पूरी की है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन यूज़ किया गया है हेलीकॉप्टर्स के लिए, यानी कि जो गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया गया है। जो नेविगेशन होता है हेलीकॉप्टर का उसमें गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। कहाँ से कहाँ तक चली? जुहू से पुणे के बीच में चली है। तो गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाई है और हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड कराया है। गगन का मतलब होता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो कि बेस्ट पॉसिबल नेविगेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है इंडियन फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में। इसको तैयार किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको बता दें वर्ल्ड में केवल 4 स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स हैं। एक तो है इंडिया का गगन, एक है US का VAS, यूरोप का है एग्नोस और जापान का है MSOS। विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क
ओवरऑल रैंकिंग्स 2023 किस संस्थान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क समग्र रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, आईआईटी मद्रास। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए, हाल ही में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है राजकुमार रंजन सिंह, इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 लॉन्च किया है, रिलीज किया है, और लगातार पांचवी बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास ये टॉप पर रहा है, ओवरऑल टॉप पर रहा है। साथ ही आईआईटी मद्रास ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, उसमें भी टॉप पोजिशन पर रहा है लगातार आठवीं बार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यानी कि आईएससी बेंगलुरु ये यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में टॉप पर रही लगातार आठवें साल 2016 से 2023 तक, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में भी ये पहले नंबर पर रही है लगातार तीसरे साल 2021 से 2023 तक। अच्छा, आईएससी जो कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी बताई गई ग्लोबली, इवन हार्वर्ड से भी आगे, तो ये सेकेंड पोजिशन पर रही है ओवरऑल कैटेगरी में, ठीक है, फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर में लगातार पाँचवें साल। तो ओवरऑल कैटेगरी में पहले नंबर पर आईआईटी मद्रास है, दूसरे पर क्या है आईएससी बेंगलोर। अब बात करें अगर हम 100 इंस्टीट्यूशंस की, टॉप 100 इंस्टीट्यूशन की ओवरऑल कैटेगरी में, तो इसमें 36 जो है ना ये इंडियन, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि आईआईटीज एनआईटीज, इनका दबदबा ज़्यादा रहा है टॉप 100 में। 26 में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और 7 इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस तरह से ब्रेकडाउन है 100 इंस्टीट्यूट्स का। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड तो बता दिया आईआईटी मद्रास और दूसरा आईएससी बेंगलोर। अब तीसरे से दसवें तक के नंबर देख लेते हैं ओवरऑल कैटेगरी में, तो आईआईटी दिल्ली तीसरे पर है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, एम्स दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी एंड जेएनयू दसवें नंबर पर है। तो इस बार जो 2023 की रैंकिंग है इसमें 5543 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग की गई है 13 कैटेगरीज में, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, आर्किटेक्चर, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, फार्मेसी, डेंटल, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर्स एंड इनोवेशन। एग्रीकल्चर कैटेगरी इसी बार इंट्रोड्यूस की गई है। जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 5 क्राइटेरिया में इवेल्यूएट किया गया है, जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज 30% वेटेज है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30% वेटेज, ग्रेजुएशन आउटकम्स 20% वेटेज, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10% वेटेज और परसेप्शन 10%। बाकी यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईएससी टॉप पर है, फिर जेएनयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मिरांडा हाउस है ये कंट्री का बेस्ट कॉलेज है, लगातार सातवीं बार इसने पहली पोजिशन हासिल की है। इसके बाद हिंदू कॉलेज है, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज है चेन्नई का, फिर PSGR कृष्णमल कॉलेज है फॉर वुमेन जो कि कोयम्बटूर में है, फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। IITs की अगर हम बात करें, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, तो उसमें IIT मद्रास टॉप पर है, फिर IIT दिल्ली, मुंबई, कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, गुवाहाटी एंड हैदराबाद है। अब अगर हम बात करें टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन की, तो एम्स दिल्ली टॉप पर है, फिर PGI चंडीगढ़, फिर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, ये टॉप 3 हैं। अगर मैनेजमेंट कॉलेज की बात करें तो IIM अहमदाबाद टॉप पर है, फिर IIM बेंगलोर, फिर IIM कोझिकोड। टॉप डेंटल कॉलेज की बात करें तो चेन्नई स्थित सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज टॉप पर है। टॉप इंस्टीट्यूट फॉर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। टॉप लॉ इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। एग्रीकल्चर एंड एलाइट सेक्टर का टॉप इंस्टीट्यूट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली IARI। अगर हम बात करें इनोवेशन कैटेगरी में तो IIT कानपुर टॉप पर रहा है। अब अगर हम बात करें इन रैंकिंग्स की, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक रैंकिंग मेथडोलॉजी है जिसके हिसाब से जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंक किया जाता है। 19 सितंबर 2015 में इस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया था और पहली रैंकिंग रिलीज की गई साल 2016 में। तो ये 8वां लगातार एडिशन है, बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं आया, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, लगातार 8वां ये कंसेक्यूटिव एडिशन है।
प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। जोको विटोडो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इंडोनेशिया। विच बैंक हैज सेट अप रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेल इन धारवाड? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $82 million फॉर प्रिवेंशन ऑफ चूनोटिक एंडेमिक डिजीजेस इन इंडिया। हु हैज टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नवल आर्मामेंट फ्रॉम KSC अय्यर? पी उपाध्याय। द डेथ टोल इन द June 2 ट्रेन एक्सीडेंट इन ओडिशा हैज राइजन टू 288। एट विच रेलवे स्टेशन डिड द एक्सीडेंट टेक प्लेस? आंसर इज भैनगा बाजार स्टेशन, बालासोर डिस्ट्रिक्ट। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। नल सरोवर बर्ड सेंचुरीज इन विच स्टेट? हु हैंडेड ओवर द सिंगोल टू जवाहरलाल नेहरू इन 1947? सैम अल्टमैन इज द सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेगा, सैम अल्टमैन इज द सीईओ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? विच इंडियन रेलवे इज पायनियर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कवच? TACS। द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ 3-member कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेडेड बाय अजय लांबा टू इन्वेस्टिगेट द एथनिक वायलेंस इन मणिपुर दैट हैज क्लेम्ड 98 लाइफ सो फार एंड डिस्प्लेस्ड ओवर 35,000 पीपल? ही इज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइज़।